जा सकता है कि बड़े मुद्दे तो नहीं, बड़े बयान जरूर चले हैं और उन बयानों ने पोलराइजेशन किया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है और जो मतदाता है वो निकला है महाराष्ट्र के विकास के लिए और शायद इसीलिए महाराष्ट्र के रुझानों में एनडीए 202 सीट पर आगे, कुल सीटें ही 288 हैं। कहा जा सकता है कि बड़ा फिगर, बड़ा मैजिक नंबर जो है वो उसके करीब, उसके पार, कई गुना पार दोहरा शतक लगा चुकी है मायावती और कहीं ना कहीं ये जो एकजुटता दिखाई गई, चाहे एकनाथ शिंदे की बात की, एकनाथ शिंदे मराठा बड़ा चेहरा माने जाते हैं महाराष्ट्र के और काफी पॉपुलर नेता भी माने जाते हैं, या फिर हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें उनका भी एक बड़ा प्रभाव, ब्राह्मण चेहरा है, बड़ा प्रभाव। गाजियाबाद के रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त, गाजियाबाद में बीजेपी 11,742 वोटों से आगे, एक बड़ा अंतर माना जाता है। विधानसभा के अगर चुनाव की बात करें तो 10,000-11,000 की जो लीड होती है वो एक बड़ी लीड मानी जाती है, इसको फिर इस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल सा ही लगता है। गाजियाबाद से रुझानों में 11,742 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, ये इस समय की एक बड़ी खबर है। नावेद जी किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद भाजपा का गढ़ तो है ही लेकिन एक बड़े मार्जिन के साथ में लगता है उनके प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद में भाजपा आगे बढ़ रही है, इसके अलावा 8 सीटों पे आगे है, यानी 8-1 का जो मुकाबला चल रहा है इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे उत्तर प्रदेश में भी निकल चुकी है। इसके कई कारण नजर आ रहे हैं, एक सबसे बड़ा कारण यह है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने कुछ चूक हो गई इस कंपेनिंग में। अखिलेश यादव की एक तारीफ की जा रही थी लोकसभा चुनाव में, उसमें ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव बीजेपी की किसी ट्रैप में नहीं फंसे, हिंदू मुसलमान में नहीं फंसे, उन्होंने मुसलमानों को इतनी तवज्जो नहीं दी, उतना ज्यादा स्पेस नहीं दिए, क्योंकि उन पर आरोप लगता रहा कि MY की पार्टी और MY से अब काम चलने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं एक सामान्य तरीके से सारे वोटरों को साधने की कोशिश की थी, दलितों को साधने की कोशिश की थी, पिछड़ों को साधने की कोशिश की थी। इस बार उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट भी अच्छे खासे दिए और उस ट्रैप में जिसमें भाजपा फंसाती थी इस बार वो खुद अपने को फंसा ले गए। जिस तरीके से वोटिंग से पहले उन्होंने एक बयान जारी किया, एक पार्टी की तरफ से ये बयान जारी हुआ कि साहब जो है बुरखा जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, पुलिस वाले जो है बुरखे में जो महिलाएं आती हैं उनको परेशान करते हैं उनको चेहरा दिखाने के ऊपर मजबूर नहीं किया जाए, इस तरह का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं खुद ध्रुवीकरण पैदा हो गया और वही नतीजा अभी जो सामने आ रहा है, जो संकेत सामने आ रहे हैं 8-1 के, उससे लग रहा है कि ध्रुवीकरण हो गया और इस ध्रुवीकरण का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि अखिलेश यादव खुद थे। भट्ट साहब, जिस ध्रुवीकरण का जिक्र